हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुलजीत कौर। आई एम लेक्चरर बायोलॉजी इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुराली, डिस्ट्रिक्ट एसएस नगर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चे, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कि क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली दे आर द व्हीकल्स विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर बच्चे विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड, एंड दैट इज द DNA, विच इज द जेनेटिक मटीरियल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर विद द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, और स्लोली बच्चे आप डिस्कस करांगे कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो DNA और प्रोटीन्स दोनों तो मिलके बनते हैं। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के बीच आप डिस्कस करांगे कि वाई DNA इज जेनेटिक मटीरियल, वाई नॉट प्रोटीन। लेकिन मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग जी है वो बच्चे एक इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल थोड़े नाल डिस्कस करके करना चाहनी हाँ, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज़ द DNA। ओके, सो बच्चे अपन ये पता कि जीन जो है वो हेरिडिटी यूनिट है। मेंडल ने जीन वर्ड नहीं यूज़ किया सी, ही यूज़ द वर्ड फैक्टर, बट द टर्म जीन जो सीगा दैट वॉज कॉइंड बाय जॉनसन्स 1909। बच्चे एंड दिस यू जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड क्रोमोसोम्स दे आर मेड फ्रॉम प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। There are two type of nucleic acid, you have already done in smaller classes, that is DNA and RNA. DNA जो है बच्चे, it is, its full form is deoxyribose nucleic acid, and RNA is ribose nucleic acid, right? So nucleic acids जो ने, they, what are nucleic acids? Nucleic acids जो ने, they are also polymers. जिमें आप DNA देख लिया, तो DNA एक पॉलीमर है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसमें प्रोटीन्स ने, प्रोटीन्स डिफरेंट अमाइनो एसिड्स तो मिलके बने होंगे ने, इसे तरह फैट्स जड़े ने दे आर ऑलसो पॉलीमर्स। सो न्यूक्लिक एसिड्स जो ने दे वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फ्रीडरिच माइशर 1869 फ्रॉम द न्यूक्ली ऑफ द पस सैल। तो पस सैल के न्यूक्लियस के बीच उन्होंने सब तो पहला जोड़ा न्यूक्लिक एसिड है वो रिपोर्ट किया, और ये एसिडिक सबसटेंस है उसनों उसका नाम दिता गया न्यूक्लीन। उसनों जोड़ा है DNA नहीं बोलिया गया, उसका नाम दिता गया न्यूक्लीन, राइट। नैक्सट दैन लेटर ऑन 1924 के फ्यूलगन उसने स्टेनिंग टेक्निक यूज करके उसने नोटिस किया कि DNA जड़ा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक मटीरियल, और DNA अपनी इंफॉर्मेशन किसनों दिता है, RNA नू दिता है, राइट। बच्चे जड़ा DNA है वो सारे इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स इन द सेम क्वान्टिटी। ऐसा नहीं होता कि किसी सेल च बहुत ज़्यादा है या किसी च दी क्वांटिटी घट है, सो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, ठीक है। सो DNA जो है आप अगर आप उसनू जेनेटिक मटीरियल बोलिया, तो उस दे विच आपां हुण ये पढ़ांगे कि किसी चीज़ वास्ते किसी एक जेनेटिक मटीरियल दे विच की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनिया चाहिदियां ने, जो कि DNA दे विच प्रेजेंट है और प्रोटीन्स दे विच प्रेजेंट नहीं है, ता ही आपां DNA नू जेनेटिक मटीरियल बोलते हैं, ठीक है। सब तो पहला जेनेटिक मटीरियल जो है वो रेप्लीकेट कर सकता है, रेप्लीकेट मीन्स वो अपनी कॉपीज बना सकता है, ठीक है। जिमें आप देखा कि जो तो सेल डिवाइड करता है, DNA रेप्लीकेट करता है, और अपना जिमें आप सिस्टर क्रोमैटिड देखा सी कि किस तरह फॉर्मेशन होती है। सो जेनेटिक मटीरियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो रेप्लीकेट कर सके, एंड इट शुड बी एबल टू अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन होंगे कि उस दे विच कोई जेनेटिक चेंज हो, और उस चेंज जो है वो अगे इनहेरिट हो सके। सो कई बार जो चेंजेस ने वो मस्ट होंगे है, बिकॉज वोदे नाल साडे कोल वैराइटीज़ आंदिया ने, वेरिएशनस आंदिया ने, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एवोल्यूशन, राइट। और जेनेटिक मटीरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, और वो अपना कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, डी
डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए को जो भी इंफॉर्मेशन होगी और जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो उसने अगे पास करनी है, सो अपनी इंफॉर्मेशन वो अगे पास कर सके ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके और जो कि साड़ी बॉडी वास्ते जो है वो मस्ट है. सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है अपने एक्सप्रेशन, इट कैन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स. ओके देन बच्चे, एक इतने मैं ब्रीफ आपा डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं हमने थोड़ा दसिया कि जेनेटिक मटीरियल डीएनए है या प्रोटीन है, बिकॉज क्रोमोसोम्स वहीकल्स हैं जो कैरी करेंगे. तो क्रोमोसोम्स आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन्स एज वेल एज डीएनए, राइट. सो 1944 तक एक डिस्कशन हो रहा है कि हो सकता है कि प्रोटीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो सकते हैं कि दे कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, बिकॉज प्रोटीन्स जो सी वो लार्जर पॉलीमर्स हैं, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स तो मिलके बनते हैं. पर अगर तुसी डीएनए देख दो तो डीएनए दे को सिर्फ चार बच्चे बेसिस ने, चार डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे हैं, उन्हें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी. दैट इज एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड टीटीपी. एडिनिन होंदा है एक नाइट्रोजन बेस, एक साइटोसिन होंदा है, ग्वानिन होंदा है और एक होंदा है दैट इज थायमिन, ठीक है. सो अगर असी ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो चार तरह के डीएनए दे विच होंदे हैं, उसे दी रेपिटेशन जो है लॉन्ग डीएनए दे विच चलती है. सो 1944 तक जेनेटिक्स दे जो स्टडीज़ हो रही सी तो प्रोटीन कंसीडर किया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटीरियल हो. देन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सपेरीमेंट्स, बच्चे साढ़े को बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरीमेंट्स ने जो कि टाइमली कंडक्ट किए गए और एक्सपेरीमेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इट इज़ द डीएनए विच इज़ कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड नॉट द प्रोटीन. साढ़े को एविडेंसिस ने, कुछ डायरैक्ट ने, कुछ इनडायरैक्ट एविडेंसिस ने, और साढ़े को एविडेंसिस जिमें कुछ एक्सपेरीमेंट्स हैं, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरीमेंट है, दैन एवरी मैकलॉयड मैकार्टी का एक्सपेरीमेंट है, दैन हर्शी एंड चेज का एक्सपेरीमेंट है बैक्टीरियोफेज के ऊपर. ये तीनों एक्सपेरीमेंट बच्चे आप डिस्कस करेंगे और इस तीनों एक्सपेरीमेंट्स के बेस पर यह प्रूव किया गया कि जेनेटिक मटीरियल इज नॉट प्रोटीन, इट इज DNA. Okay, so let's study about DNA first. So DNA and RNA, they are polynucleotides. Poly means they are made from number of nucleotides. Bahut sare nucleotides jab join hote hain, they form polynucleotides. Har ek nucleotide jo hunda hai students, ode che teen components hunde ne. First, ode che pentose sugar hai. Pentose sugar ki hai bache, it is a 5 carbon sugar. सो 5 कार्बन शुगर है, दैट इज पेंटोज शुगर. सो ए डीएनए का कॉम्पोनेंट है. दैन नाइट्रोजन बेस ने, दो तरह के नाइट्रोजन बेस होंगे ने, एक होंगे प्यूरीन्स, एक होंगे पायरीमिडिनस. प्यूरीन्स के एग्जाम्पल हैं एडेनिन एंड गुआनिन, पायरीमिडिन के एग्जाम्पल हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल्स. तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिस दे नाल न्यूक्लियोटाइड्स बनते ने वो है फॉस्फेट ग्रुप. ओके सो बच्चे, आपने देखा कि जेड़ा डीएनए है और आरएनए है, दोनों जेड़े ने वो जेनेटिक मटीरियल्स ने. मोस्ट ऑफ द लिविंग फॉर्म्स जेड़े ने उन्हें जेनेटिक मटीरियल डीएनए है, लेकिन कुछ वायरसेस इस तरह ने जिन्हें जेनेटिक मटीरियल जो है वो की है आरएनए. डीएनए दे भी शुगर डीऑक्सीराइबोस है. नाइट्रोजन बेसिस जो ने वो ए टी सी जी होंगे ने, दैट इज एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, और फॉस्फेट ग्रुप होएगा. आरएनए जो है ये भी पेंटोज शुगर होंगी है, बट इट इज़ राइबोस, नॉट डी ऑक्सी राइबोस. एक्चुअली जो 5 कार्बन रिंग है शुगर का, वो कार्बन नंबर 2 जो है उसके डीएनए के कोल हाइड्रोजन होंगे और ता ही एक ऑक्सीजन उत्थे आरएनए कोल ओएच ग्रुप होएगा, एंड दिस ओएच ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन इन डीएनए. सो दैट्स वाई डीएनए आपां डी ऑक्सी कहने, वन ऑक्सीजन उत्थे लैस होंगे. सो आरएनए दे विच नंबर 2 पोजिशन कार्बन दे ओएच ग्रुप होंगे. शुगर राइबोस होएगी, नाइट्रोजनस बेस ए सी जी एंड यू होएगा. स्टूडेंट्स, आरएनए दे विच थायमिन एबसेंट होंगे, इन प्लेस ऑफ थायमिन साढ़े को जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज यूरासिल, दैन फॉस्फेट ग्रुप इज ऑलसो प्रेजेंट इन आरएनए. सो ये कई बार साढ़े को ये भी क्वेश्चन आता है कि आरएनए जो है वो लैस स्टेबल है, डीएनए इज मोर स्टेबल. दिस इज बिकॉज वी हैव द प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप एट पोजिशन नंबर 2, तो ज्यादा हाइड्रोलिसिस होने के चांसिस जोड़े ने ज़्यादा होंगे.
सो बच्चे न्यूक्लिक एसिड जब आप गल करते हैं, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन होएगा? डीएनए एंड आरएनए होएगा। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन टू यू। एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटीरियल इन सम वायरसेस। आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर, एक मैसेंजर का काम करता है। डीएनए तो मैसेज लेंदा है और आगे लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, so what is DNA students? Just now I explained you that DNA is polynucleotide. So DNA बहुत सारे nucleotides का polymer है, बहुत सारे nucleotides जो link हो जाएंगे, long chain बनाएंगे तो साढ़े को बनेगा DNA. Now interesting question is what is polynucleotide? हुने मैं थोनू पहला भी एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियोटाइड के तीन कॉम्पोनेंट्स होंगे ने। नाइट्रोजन बेस होएगा, पेंटोज शुगर होएगा विच इज राइबोज इन आर एन ए, एंड डी ऑक्सी राइबोज इन डी एन ए, एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो इतने आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं बच्चे। सो ए जिहड़ा हैगा फाइव कार्बन रिंग है, जिहड़ा एस साइड ते नंबर वन कार्बन है, दैन नंबर टू है, नंबर थ्री है, नंबर फोर है, एंड नंबर फाइव है। दिस इज कार्बन नंबर फाइव। जिहड़ा कार्बन नंबर वन है उत्थे नाइट्रोजन बेस अटैच होएगा, और कार्बन नंबर फाइव जिहड़ा हुंदा उत्थे फॉस्फेट अटैच होएगा, राइट, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होएगा। सो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों तो मिलकर बनिया, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, एंड फॉस्फेट ग्रुप, राइट। सो दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स। ओके, दीज आर द डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस विच आर प्रेजेंट इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो वी जस्ट क्लासीफाई दैम इंटू टू टाइप्स, द प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल हैं एडिनिन, गुआनिन, फर्स्ट टू, एंड पैरामिडिन के इतने तीन एग्जाम्पल हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो जेडे प्यूरिन्स ने वो लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ने, उन्होंने साइज बिग होंगे और वो जेडे ने अपने डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। और पायरिमिडिन्स जो ने सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ने, और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे बिकॉज उन्होंने साइज वड्डा है, पायरिमिडिन लैस स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। सो डी ऑक्सीराइबोज जोड़ा होंगे वो लिंक करता है पोजिशन नंबर नाइन, बिकॉज जो प्यूरिन पायरिमिडिन्स ने स्टूडेंट्स इन्हों को हाइड्रोजन के नाल नाइट्रोजन भी होंगी है, ठीक है। सो जो प्यूरिन्स है ये को फोर नाइट्रोजन एटम्स होंगे ने। नाइट्रोजन नंबर जिम्मे अगर एक डबल रिंग स्ट्रक्चर इतने मैं बनाया, नंबर वन पर नाइट्रोजन है, नंबर थ्री पर है, नंबर सैवन पर है, नंबर नाइन पर है। सो इन्हों को फोर नाइट्रोजन एटम है, और जी शुगर है वह कितने लिंक होएगी? पोजिशन नंबर नाइन पर लिंक होएगा, ठीक है। जदों आप इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो बनेगी, जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक। दैन जो पायरिमिडिन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने की है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग है, और इन्होंने को दो ही नाइट्रोजन एटम्स ने। इतने मैं डायग्राम से शो किया, वन इज़ पोजिशन वन एंड वन इज़ पोजिशन नंबर थ्री। सो नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, तुम्हें बहुत क्लीयर हो जाएगा। सो ए जिन्हें डबल है डाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है एडेनिन और गुआनिन, और जेडे साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल्स ने एक ही ने मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर ने, और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और एक कट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यूरासिल देखो, इट इज़ थायमिन फाइव मिथाइल यूरासिल। थायमिन जो है वो किदे प्रेजेंट होंगे? डीएनए दे विच होंगे, और आरएनए दे विच थायमिन नहीं होंगे, इन प्लेस ऑफ थायमिन वी हैव यूरासिल्स। So these are nitrogenous bases which are going to form the part of nucleotides, right? Okay. So first of all, what happens? Nucleotide the formation kis tarah hunda students? Sab to pehle jehdi sade kol ribose sugar hai, sugar de naal jehda nitrogen base hai oh link karda hai number one position te. तो तुसी इत्थे देख सकते हो कार्बन नंबर वन है, कार्बन तो अपन नंबरिंग की हुई है, कार्बन नंबर वन ते नाइट्रोजन बेस लिंक हो जाएगा, और ये लिंक होएगा विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जदों पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के नाल जो नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा सब तो पहला, तो यह जो स्ट्रक्चर बनेगा इसनों असी न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे, इसनों असी बोलेंगे न्यूक्लियोसाइट, राइट। सो लैट सी वन मोर एग्जाम्पल। सी दिस शुगर के नाल एडिनिन जुड़ गया तो डी ऑक्सी एडिनोसिन बन गया, गुआनिन जुड़ गया डी ऑक्सी गुआनोसिन बन गया, साइटिडिन है डी ऑक्सी साइटिडिन बन गया, और यू और टी जुड़ेगा, ठीक है, डी ऑक्सी थायमिडिन बन गया। सो दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए, और दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स इन
RNA. So, केड़ा bond, which is the bond student? This is glycosidic bond. Next, now we have the formation of nucleotide. Nucleotide कितना बनेगा? जो तो sugar दे नाल पहला nitrogen base बनिया, link होया, that is nucleoside. Then जो तो उधे नाल 5 number carbon दे phosphate group attach हो जान्दा है, then we have the formation of nucleotide. Means nitrogen base plus sugar plus phosphate and they are forming nucleotide, that is deoxyribonucleotides. और DNA की है बहुत सारे जेड़े nucleotides ने उनादा वो polymer है, right? So, nucleoside बच्चे, it is formed by purine or pyrimidine nitrogen base and pentose sugar. So, ए D की है, deoxyribose sugar है, जदो इदे नाल nitrogen base link हो गया, ता nucleoside बन गया. And bond की है, glycosidic linkage. So, example, deoxyadenosine, deoxyguanine. Nucleotide के बनेगा, से अपनी sugar है, sugar दे नाल nitrogen base बनया, और number 5 दे साड़ा phosphate link हो गया, ठीक है? So, ये बन गया deoxyadenosine monophosphate, because A में A दा example दे रही है, monophosphate means one phosphate, right? Okay, so बच्चे, ये अपने को एक chain बन गया, के, ये वे तो नो पहला दस्या के RNA को OH group होंदा है, so जेड़ी अपना एक chain दिखा रहे हैं, देखो number 1, 2, 3 and 4. इत्थे 4 nucleotides आपस दे विच link हो रहे ने और वो एक chain form कर रहे ने DNA दी. But first two cases देखो बच्चे, इत्थे ए साडे कोल nitrogen base है, ए साडी sugar है और ए साडा phosphate है. Phosphate है number 5 position दे. So, जेड़ा A वाली जेड़ा A position है, this is carbon number 3 क्योंकि आपा इत्थों counting कितनी सी 1, 2 and 3. 3 नंबर जो शुगर है ओ ते नेक्स्ट जेड़ा साडा न्यूक्लियोटाइड है ओस दी नंबर हैगा 5. सो दो न्यूक्लियोटाइड आपस दे विच किस तरह लिंक हो रहे ने 3-5- फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड. ये दोनों आपस च लिंक हो रहे ने जिस तरह आपां एक माला बनाने आ पर्ल्स दी दो पर्ल्स जेड़े ने एक थ्रेड नाल लिंक हुंदे ने इसी तरह स्टूडेंट्स 3-5- बॉन्ड बन रहा है इस नु असी बोलते हां फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड. ठीक है, फर्स्ट दा पोजीशन 3 है, सेकंड दी पोजीशन 5 है. सो दो न्यूक्लियोटाइड्स जो ने दे आर लिंक थ्रू 3-5- फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड और उसके नालो डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया. ऐसे तरह दे नाल होर लिंक हो गए, नेक्स्ट होर लिंक हो गया, फिर 3:5, 3:5. सो डीएनए दी अगर आप इदी एक चेन जेड़ी बनेगी ओदे एक एंड ते 3 प्राइम होएगा और दूसरे ते होएगा 5 प्राइम्स, बिकॉज़ एक ते कार्बन नंबर 3 है, दूसरे ते कार्बन नंबर 5 है. ओके, देन स्टूडेंट्स अपने कोल इत्थे मैं ए मैं थोनों ऑलरेडी फ्राइडरिच माइशर दा दस चुकी हां कि उसने डीएनए नो आइडेंटिफाई कीता सी पस सेल दे विच और वो एसिडिक सब्सटेंस सी उसका नाम रखा सी न्यूक्लीन. उस तो बाद बच्चे के कुछ एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज हुईयां सी बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. सो ए विल्किंस है, मॉरिस विल्किंस एंड रोजेलिन फ्रैंकलिन जे सीगे, इन्हां ने एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा दे बेस ते दस्या कि डीएनए जो है ओ एक हेलिकल स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डाटा, एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा. लेकिन जेड़ा जेम्स वॉटसन है एंड क्रिक है, वॉटसन एंड क्रिक जेड़े सीगे, इन्हां ने डीएनए दा डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किता और ए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. ओके, सो बच्चे इस मॉडल दे अकॉर्डिंग उसने बोलिया कि जेड़ा डीएनए है, सो ए जेड़े पॉइंट्स हैं तुसी नोट करने हैं, वॉटसन एंड क्रिक दा ये मॉडल है. दे सेड कि डीएनए जो है वो दो चेन्स तो मिलके बनता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ने. लेकिन जेड़ियां दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं बच्चे वो इस तरह कॉइल्ड ने, दे आर कॉइल्ड अराउंड वन अनदर, एक सेंट्रल एक्सिस है ओदे अराउंड ए कॉइल्ड ने. और अगर इस डायग्राम दे विच देखो अगर और उसदे विच की ने कि बहुत सारे, अगर मैं तुहानू सिंपलीफाइड इस तरह बना के दिखा रही हाँ कि अगर सपोज दो चेन्स ने इन्हां दे अंदर सारे की ने वो नाइट्रोजनस स्पेसिस ने. ठीक है, नाइट्रोजनस स्पेसिस हैं जो कि अंदर दी तरफ हैं और ए जेड़ा थोड़ा पिच ऑफ हेलिक्स है, पिच जेड़ा हेलिक्स है इत्थों दी लेके जेड़ा एक टर्न आ रहा है ए 3.4 नैनोमीटर हुंदा है और इस दे विच जेड़े बेसिस हैं नाइट्रोजन बेसिस हैं एक टर्न दे विच अप्रोक्सीमेटली 10 हुंदे हैं. सो अगर
10 bases हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर एक बेस पेयर ते दूजे बेस पेयर दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर और इसनु असीं 3.4 ऑंगस्ट्रोम भी लिख सकते हैं। नाउ जिहड़ा DNA है जिवें ए DNA दियां दो चेन्स मैं बनाईआं एक कोइल स्ट्रक्चर है अगर आपां इहनू अंडरस्टैंड करन वास्ते सिंपल स्ट्रक्चर बनाने हैं तो ये जिहड़ी दो बोनस है इन्हां नूं असीं बैकबोन कहिंदे आं DNA दा। ठीक है, ये DNA दे दो बैकबोनस हैं और DNA दे दो बैकबोनस कित्थों मिलते हैं शुगर और फॉसफेट तो मिलकर बनते हैं। ठीक है, और जिहड़े उहदे बेसिस हैं वो सारे इनवर्ट प्रोजेक्ट होंगे ने बेसिस सारे अंदर वाली साइड पर होंगे लेकिन शुगर और फॉसफेट नूं मिलकर ये बैकबोन बनता है। दोनों चेन्स जो होंगे DNA दे वो एंटी पैरल होंगे एक चेन की पोलैरिटी जो है 5:3 होंगी है दूसरे की 3:5 होंगी है बिकॉज बच्चे मैं थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया कि जो तो बॉन्ड बनता है जो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे है वो 3 और 5 के बीच फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनती है। सो जो और हमेशा नाइट्रोजन जो बेस है वो कार्बन नंबर 1 से अटैच होंगे सो जो DNA जिमें इतने अगर कार्बन नंबर 1 से है तो ऑपोजिट साइड जी है वो चेन जी है वो उल्टा हो जाएगा। सो उसकी जी पोलैरिटी है वो 5 अगर एक पास 5:3 है दूजे पास 3:5 होएगी। सो DNA के दोनों चेन्स जो हैं वो की होंगे ने एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, नाउ अगर जो बेसिस हैं बच्चे हूँ इन बहुत ध्यान समझो सब तो पहला तो यह मैं थोड़ा कोइल्ड स्ट्रक्चर दिखाया हैलीकली कोइल्ड है DNA दोनों स्ट्रेंड कोइल्ड ने एक कॉमन एक्सिस के उपर वो स्पायरली कोइल्ड है। ठीक है, दैन ये जो दो बैकबोनस ने बैकबोनस जो कितों बनेंगिया शुगर तो बनेंगिया एंड फॉसफेट तो बनेंगिया और अंदर जड़ी ने DNA के अंदर ये सारे की ने स्टूडेंट्स ये सारे बेसिस हैं। सो इसको देखो तुसी जेड़े ये बेस अंदर मैं बनाए हैं सो जिवें ये शुगर है कार्बन नंबर 1 के उपर आप बेस अटैच किया सी विच इज साइटोसिन और साइटोसिन जिहड़ा उहदे ओपोजिट चेन आ रही है उत्थे कार्बन नंबर 1 इत्थे आ रहा है और इत्थे कार्बन नंबर 1 इत्थे सीगा सो ये आप जिहड़ी इहदी पोलैरिटी आप चेंज करती हैगी है। ठीक है, सो इस करके जिहड़े DNA दे चेन्स ने वो की ने एंटी पैरल। दूसरी गल स्टूडेंट्स जिहड़ा जदों जिहड़े बेसिस हैं अंदर क्योंकि डबल हैलिक्स है जिहड़े दो बेस है जिहड़ा एडिनिन हुंदा है एडिनिन ये हमेशा पेयर करता है थायमिन दे नाल साइटोसिन हमेशा पेयर करता है गुआनिन दे नाल। ठीक है, बिकॉज दोनों चेन्स आपस दे विच लिंक्ड हैगे ने तां एडिनिन और थायमिन दे विच डबल बॉन्ड हुंदी है विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी दे विच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हुंदे हैं। ठीक है, और हमेशा प्यूरीन दे सामने पायरिमिडीन ही पेयर करता है या पायरिमिडीन दे सामने प्यूरीन आएगा कभी भी स्टूडेंट्स प्यूरीन प्यूरीन दी पेयरिंग नहीं होंगी ऑलवेज प्यूरीन पेयर्स विद पायरिमिडीन ए ऑलवेज ए इज प्यूरीन इट पेयर्स विद टी टी पेयर विद ए और सी पेयर विद जी और जी पेयर्स विद सी। राइट, बिकॉज स्टूडेंट्स क्योंकि DNA दे विच क्योंकि जिहड़ा एडिनिन है वो डाइसाइक्लिक है अगर एडिनिन एडिनिन नाल पेयर करेगा तो DNA का डायमीटर इन्ना नहीं है हैलिक्स का कि वह इसनों अकोमोडेट कर सके। ठीक है, एंड मोरओवर जिहड़ा प्यूरीन है एक हाइड्रोजन डोनर होएगा एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होएगा ता ही हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। सो ए और टी जिहड़े ने उन्हां दे विच हमेशा याद रखना है नाइट्रोजन एंड बेसिस दे विच प्यूरीन और पायरिमिडीन का पेयरिंग होएगा ए ऑलवेज पेयर्स विद टी या टी ऑलवेज पेयर विद ए सी जी दे नाल करेगा और जी जिहड़ा है वो सी नाल करेगा उत्थे ट्रिपल बॉन्ड होएगा ए और टी जो है उन्हां दे विच डबल बॉन्ड होएगा। राइट, सो DNA का स्ट्रक्चर बच्चे आपां डिस्कस किया वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है और जिहड़ा कि उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दे विचों जिहड़े उन्होंने इनफॉर्मेशन मिली उसके बेस से उन्होंने प्रपोज किया। सो DNA को दो DNA की है दो चेन्स ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स ने और विच आर कोइलिंग अराउंड द कॉमन एक्सिस तो ये राइट हैंडेड डबल हैलिक्स असीं इहनूं कहिंदे आ राइट हैंडेड जो है ये क्लॉकवाइज इस तरह जिहड़ा है वह कोइल होंदा है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स जिहड़े ने एंटी पैरेलल ने हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि अगर एक स्ट्रैंड जिहड़ा है वह 5:3 होएगा दूसरा स्ट्रैंड की पोलैरिटी जी है वो 3:5 होएगी। सो बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट तो बनेगी और जेडे डबल हैलिक्स के जेडे नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो सारे अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, प्यूरीन एंड पायरिडिन मिडिन बेसिस जो हैं सारे वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं। सो बैकबोन बन गई एंड दीज आर द बेसिस। राइट,
उस तो बाद जिहड़े बेस पेयर्स ने उन्हां दा मैं तुहानूं दस्या 0.34 नैनोमीटर अपार्ट हुंदे ने और एक जिहड़ा टर्न है वह 3.4 नैनोमीटर हुंदा है। ऑलरेडी मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर चुकी हाँ जिहड़ा हैलिक्स बनिया जिहड़ा हैलिक्स है इसदे विच ग्रूव्स हुंदे हैं। कुछ जिहड़े हुंदे जिहड़ा टर्न है वह बहुत लंबे टर्नस हैं इस नूं असीं मेजर ग्रूव्स कहिंदे हाँ। कुछ टर्नस जिहड़े ने छोटे टर्नस हुंदे ने इस नूं असीं माइनर ग्रूव्स कहिंदे हाँ। सो मेजर ग्रूव्स जो ने दे आर द साइट फॉर DNA बाइंडिंग प्रोटीनस एंड माइनरस आर मैंट फॉर बाइंडिंग ऑफ स्मॉल मॉलीक्यूल्स। जिहड़े बेस पेयर्स ने ऑलवेज पेयरिंग हुंदी है प्यूरीन एंड पायरिमिडीन दे विच। ए हमेशा डी नाल पेयर करेगा, सी हमेशा जी नाल पेयर करेगा। विच आर द बेस पेयर, इट वॉज फॉर्म बाय चारगफ। मैं हुणे तुहानूं चारगफ का रूल भी एक्सप्लेन करांगी। और दोनों दे विच ए और टी दे विच जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी दे विच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इह ऑलरेडी तुहानूं मैं एक्सप्लेन कर चुकी हाँ। ओके बच्चे, एरविन चारगफ का रूल जिहड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो DNA है उसके ए का प्रपोर्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टी। किन्ना ए है ये हमेशा टी दे इक्वल होएगा, किन्ना सी है ये हमेशा जी दे इक्वल होएगा, या टी का प्रपोर्शन ए दे इक्वल होएगा, या जी का प्रपोर्शन सी दे इक्वल होएगा। इट मीनस ए प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू टी प्लस सी। और इसनों आप इदा भी कह सकते हैं कि ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज चारगफ रूल। इस रूल के नाल बच्चे सानू इस तरह के क्वेश्चन आते एग्जाम्स के बाई चांस सानू DNA दे विच किसी एक बेस की परसेंटेज दिती हुई है तो आप होर दूजे बेसिस की परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर सानू सपोज 30% एडिनिन हैगा तो ऑबियसली जिन्ना एडिनिन है एडिनिन ने थायमिन के नाल पेयर करना तो थायमिन भी 30 होएगा। तो 30 and 30 60 हो गया, बाकी 40% बचा। इट मीनस जोड़े बाकी दो बेसिस ने किन्ने होंगे 40% होंगे। तो 40 नू आपां इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 20 and 20। सो चारगफ रूल के बेस के उपर आप इस तरह जोड़े नाइट्रोजन बेसिस ने DNA के बीच उन्होंने परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंट्रस्टिंग डायग्राम बच्चे। डबल स्टैंडर्ड DNA थोनों दिख रहा है, पेंटोज शुगर है सब तो पहला, इधर साडा फॉस्फेट है नंबर 5 से अटैचड है। सो ये सारियाँ दोनों जो है बैकबोन्स हो गए और इन बैकबोन्स के अंदर साडे अंदर नाइट्रोजन बेसिस है। टी ए दे नाल पेयर कर रहा है, डबल बॉन्ड है, प्यूरीन इज पेयरिंग विद पायरिमिडीन, जी इज पेयरिंग विद सी दैन ट्रिपल बॉन्ड, सी इज पेयरिंग विद जी ट्रिपल बॉन्ड, ए इज पेयरिंग विद टी डबल बॉन्ड। सो प्यूरीन इज पेयरिंग विद पायरिमिडीन विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और उस तो बाद आपा किता कि जिहड़ा जदों अपना शुगर दे नाल नाइट्रोजन बेस लगते हैं दैट इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और जदों साडी लिंक हुंदा है ए पॉली जिहड़ी चेन हैगी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लिंक हुंदे ने जिहड़ा फॉस्फेट फॉस्फेट लिंकेज होया सी दैट इज फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। ठीक है, और पोलैरिटी तुहानूं क्लीयर होगी 5:3 और दूसरे की होएगी 3:5। राइट, सो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA दे आर एंटी पैरेलल। सो बच्चे दे आर फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच आई हैव रिटन हेयर के DNA का लेंथ कितना है। बैक्टीरियोफाज है 174, इट इज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ने दैट इज द लेंथ ऑफ द DNA। और दैन लैम्डा बैक्टीरियोफाज के 48502 ने, ईकोलाई हैज़ 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। एंड दैन इन द ह्यूमन DNA हैप्लॉइड कॉन्टेंट एंड नंबर क्रोमोसोम उसके 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होंगे। सो ये हैगा अमाउंट ऑफ द DNA इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स, यू प्लस यू प्लीज नोट इट डाउन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप थानू DNA का स्ट्रक्चर समझ आ गया होएगा। मैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग एक बहुत इंट्रस्टिंग मॉलीक्यूल नू लैके की स्ट्रक्चर ऑफ DNA और थानू बहुत क्लीयर होएगा। नैक्सट चैप्टर के आप एक्सपैरीमेंट्स डिस्कस करांगे जिस दे नाल ये प्रूफ होया कि यस जेनेटिक मटीरियल इज DNA एंड नॉट द प्रोटीन। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।